नमस्कार दोस्तों, ये सवाल है, पूरा वीडियो को देख लीजिए। सात ध्रुव पलाट कितना लंबाई चौड़ाई होता है, ये सवाल क्या हुआ है? और सात ध्रुव पलाट में कितना बड़ा मकान होगा या फिर कितने रूम बनेंगे, ये सवाल है। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। हम लोग इस ध्रुव से जानेंगे, एक ध्रुव बराबर 68.0625 वर्ग फीट होता है, इस ध्रुव से जानेंगे। तो 7 गुणे 7 से इसको गुणा कर दीजिए, 7 गुणे 68.0625 बराबर 476.4377 वर्ग फीट। इतना वर्ग फीट होगा। ये लगभग अपने यहाँ 435.6 वर्ग फीट में एक डिसमिल होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा है, एक डिसमिल से कुछ बड़ा है। और यदि हेक्टेयर में इसको निकालना चाहेंगे, इसको भी देख लीजिए, 1,08,900 से डिवाइड करेंगे तो बराबर 0.004375 इतना हेक्टेयर दोस्तों। इस तरह से हेक्टेयर में निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए, 42 फीट इसकी लंबाई, 42 फीट लंबाई है और 11.43, इस तरह दशमलव के बाद इतना फीट इसकी चौड़ाई है। इसको आप जो है, ये 10 फीट चौड़ाई का मकान बनाना चाहेंगे और 11 फीट लंबाई का, तो ये 4 रूम बनेंगे दोस्तों। 10 फीट लंबाई चौड़ाई का बनाएंगे पूरा, इसको भी, इसको भी, और इसको भी, और इसको भी। 10 फीट इसकी चौड़ाई और 11.43 फीट लंबाई का बनेगा रूम, 4 रूम। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ये 11.43 के बाद और भी है, और 11.43 फुट के अंदर ही दीवार है दोस्तों। इसके अंदर ही दीवार बनाएंगे, इतना है तो दोस्तों। और ये देख लीजिए, 42 फीट के अंदर ये 4 रूम इस तरह से बना सकते हैं। और यदि 3 रूम बनाना चाहेंगे इस तरह से, देख लीजिए, इसको पुनः बनाते हैं इस तरह से, 3 रूम बनाना चाहेंगे तो 13 फीट का बनेगा दोस्तों। 13 फीट, 13 फीट, ये भी 13 फीट, 13 या 39, जबकि 42 फीट है, 42 फीट लंबाई और 11.43 फीट चौड़ाई है, ये 42 है। इसमें और लिख लेते हैं, ये 42 फीट, ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी 42 फीट है। इसके अंदर में 13 फीट ये लंबाई और 11.43 फीट चौड़ाई का रूम बनाएंगे, तो ये 11.43 के अंदर में दीवार रहेगा। अब ये 13 फीट एकदम खुला बनेगा दोस्तों, क्योंकि 3 फीट बच रहा है,
इसको 9 इंच का दीवार बनाएंगे, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, ये 12 दूना 24, 12 3 36, ये परफेक्ट बन रहा है इतना बनाएंगे तो। और ये जो है 4 रूम बना रहे हैं, इसको भी देख लीजिए, 42 फीट के अंदर में 4 डिवाइड करना है और 11.43 फीट के अंदर में ही दीवार रहेगा। इस तरह से इजी तरीके से बना सकते हैं आसानी से। दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।